अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज का उन्वान मेरा हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। इस माह रमज़ानुल मुबारक में मैं हिंदू भाइयों को दावत देता हूं कि वाकई हमारे भाई हैं और हम भाइयों से गाफिल हैं। एक दूसरों को हम लोग दुश्मनी मोल ले रहे हैं, जबकि हिंदू और मुस्लिम दोनों भी भाई भाई हैं। अगर जानवर हैं तो जानवर का बच्चा जानवर होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, सांप का बच्चा सांप होता है, बकरी का बच्चा बकरी होता है, और परिंदों में अगर देखें तो जो भी चिड़िया है तो चिड़िया का बच्चा चिड़िया होता है, कबूतर का बच्चा कबूतर होता है, और चील का बच्चा चील होता है। इसी तरीके से समंदरों में देखो मछली अपने बच्चे जनती हैं, तो इसी तरीके से इंसान का बच्चा इंसानी होता है। हम तमाम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। जो हम यहाँ पर दुनिया में आए के बाद में कोई क्रिश्चियनिटी अपनाया, कोई यहूदी अपनाया, कोई हिंदुज़म अपनाया, कोई बुद्धिज़म अपनाया, कोई मुस्लिम्स अपनाया, हर कोई अपने अपने फिरकों में अपने अपने मजहबों में बैठे हुए हैं, मगर एक ही क्या बनाना फादर हमारे आदम अलैहिस्सलाम हैं और मादर हमारे हव्वा अलैहिस्सलाम हैं। हम तमाम उन्हीं की औलाद हैं। हम डिफरेंशिएट मजहबों में बैठे हुए हैं। हमको गौर फिक्र करना चाहिए कि हम कुरान से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि कुरान बोल रहा है कि सुम्मुम बुकमन उम्यन फहुम ला यर्जुन। हमने तुमको कान दिए, तुम कान से सुन नहीं सकते, हमने तुमको आँख दिए, आँख के अंधे हैं, कान से बहरे हैं, ज़बान से गुंगे हैं। अल्लाह सुबहानु ताला ये कुरान में ये सुम्मुम बुकमन उम्यन फहुम ला यर्जुन। मेरे हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप लोग क्या है तो ये कुरान का जो ट्रांसलेशन है, हर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन्स हो चुका है, हर लैंग्वेज में आप उसको कुरान को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, यूट्यूब पे सुन सकते हैं, फेसबुक पे है और सोशल मीडिया पे भी है। मेरी एक रिक्वेस्ट थी, मैं ये चाहता था कि हमारे हिंदू भाइयों को ये पैगाम पहुँचाएँ कि हिंदू मुसलमान एक ही माँ बाप के बेटे हैं और एक ही माँ बाप की औलाद है। हमारा फ़र्ज़ है इन्हें कि हम हिंदू भाइयों को ये पैगाम पहुँचाना, हम अपने आप को फ़र्ज़ समझते हैं। ये इस छोटे सर के एक यूट्यूब के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से एक पैगाम मैं तमाम हिंदू भाइयों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। अगर मेरी बात अच्छी लगे, हिंदू भाइयों तक अगर पहुंच रही है, तो आप अपने भाइयों तक, हिंदू भाइयों तक ये बात पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।